नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं SCNDC बाय नंदन। दोस्तों, मेरी जो अभी सीरीज चल रही है 3 किलोवाट मैनुअल स्टेबलाइजर की, इस टॉपिक पे मैंने इससे पहले इस सीरीज में जो वीडियो बनाई थी, सबसे पहले बनाई थी कि आपको एक 3 किलोवाट ऑटोमेटिक मैनुअल स्टेबलाइजर बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो उसमें मैंने सारे मटेरियल्स को दिखाया था। उसके बाद आप उसके टर्न्स को कैसे खुद से कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया। इसके बाद दोस्तों, एक वीडियो में मैंने इस ट्रांसफार्मर की पूरी रिवाइंडिंग आपको दिखाई है। और इसके बाद आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें कोर कैसे आप डालेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने कोर डालना भी कई सारे वीडियोज में दिखाया है, वाइंडिंग करना भी कई सारे वीडियोज में दिखाया है, ट्रांसफार्मर की टर्न्स कैलकुलेट करना भी मैंने आपको बताया हुआ है। बावजूद इसके काफी सारे दोस्तों का हमें लगातार कमेंट्स मिलता रहता है, तो आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं कोड डालना, तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, और अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज आपसे और कहना चाहता हूँ कि कुछ चीजें होती है, आप हमारे वीडियोज को सबसे पहले पूरा देखें और उसके बाद ही कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछे। काफी सारी वीडियोस में छोटी मोटी बातें छूट जाती है, या छोटी मोटी ना कहे कुछ बड़ी बातें भी छूट जाती है, पर दोस्तों वो जैसे मैं अभी 3 किलोवाट मैनुअल स्टेबलाइजर की वीडियो बना रहा हूँ, मे भी इस वीडियो में कुछ छूट जाए तो मैं अगली वीडियो में उसे कवर कर देता हूँ। बावजूद इसके काफी सारे दोस्त हमसे ये पूछते रहते हैं, सर इसमें यानी वायर कितने नंबर की डाली, कितनी वेट डाली। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा वाइंडिंग के बाद किसमें कितनी वायर लगी है, और मैंने बताया भी। बावजूद इसके कमेंट सेक्शन में मुझे इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला। खैर, कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसमें कोड डालने के प्रोसेस को। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, ये 3 किलोवाट की ट्रांसफार्मर मैंने बनाई है, आपको वीडियो मिल चुकी है, और जैसा कि यहाँ पे लुक देख सकते हैं, इसका सीरियल देखने से ही पता चलता है कि ये हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं ये सारी लूप है। यहाँ पे ये जो लूप है ये है 0 का, और यहाँ पे ऑटो कट के बोर्ड के लिए जो मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट की लूप निकाली है वो है यहाँ में। अब हम आपको इसमें कोड डालना दिखाते हैं। आपको करनी है ये कि दो दो पीस कोर लेके, जैसा कि देख सकते हैं ये दो पीस कोर है, एक मैं नीचे से इस तरफ से डालूंगा और दूसरा फिर दो कोर लेके मैं इस तरफ से डालूंगा। दोस्तों, अगर आप कोर सस्ते क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, तो आपको एक चीज है कि आप जब कोर को, कुछ कोर को यानी कि 10-20 कोर को आप हाथ में लेकर कुछ इस तरीके से उसे करके, और आपको देख लेना होगा कि उसकी होल है वो बिल्कुल क्लियर है या नहीं। कई बार क्या होती है कि ये कोर में होल कहीं यहाँ होती है, कहीं यहाँ होती है, किसी किसी में होती भी नहीं है, और जब आप उसे बिल्कुल से ठोक देते हैं उसके बाद आपको टाइट करने में करनी पड़ती है काफी मेहनत। तो इसलिए सबसे पहले आप उनके होल को चेक करें, और दो दो पीस कोर लेके आप इसके अंदर एक बार इधर से और एक बार इधर से डालें। तो मैं इसमें डालते चलता हूँ कोर, और उसके बाद जब ये पूरी की पूरी इसमें कोर डल जाएगी यहाँ तक, और जब थोड़ी सी बचेगी तो मैं फिर से वीडियो को ऑन करूंगा। वैसे मैं पूरी में डालूंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं फिलहाल सिर्फ दो दो कोर, एक बार इधर से और एक बार इधर से मैं डाल देता हूँ। दोस्तों, इसमें कोर कितनी लगी अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत में जब इसकी पूरी की पूरी मैं कोर इसमें डाल लूंगा, उसके बाद मैं इसका वजन भी आपको करके बता दूंगा कि इसमें हमारी कोर कितनी लगी है।
आप इसके अंदर आराम आराम से दो कोर इधर से और दो कोर इधर से डालते चले जब तक इसमें आराम से डलती रहे। ठीक है, जब यहाँ पे कोर जैसे ये जगह जो है इसमें खाली जब ये भरने लगेगी तो क्या करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे यहाँ तक पहले फुल करके भर लेता हूँ। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखें कि कोर जो आप डालते हैं कभी इसके अंदर और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से तिरछा ना फंसे, यानी कि इसके नीचे ना आए और इसके ऊपर या फिर इसी के नीचे या इसके ऊपर इस तरीके से टेढ़ा आपका कोर ना बैठे, इस बात का पूरा ध्यान रखें और आराम आराम से इसमें कोर आप डालते चलें। दोस्तों, इससे पहले बॉक्स में जैसा कि देख सकते थे कि कोर जो थी उसमें थोड़ी थोड़ी सी जंग लगी हुई थी, रस्ट लगी हुई थी, पर ये कोर जो है ये बिल्कुल फ्रेश कोर है। तो ये बॉक्स में कोई कोई किसी किसी बॉक्स में थोड़ा सा पुराना माल होने के वजह से किसी किसी में थोड़ी सी रस्ट वाली भी आपको मिल जाती है, पर ऐसा इससे कोई खास दिक्कत नहीं है। जब स्टेबलाइजर चलने लगेगी इसमें बराबर ये ऑन के कंडीशन में होगी तो फिर इसका जो जंग लगने का वो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। अभी आराम आराम से हमारी कोर जा रही है इसलिए हम इसमें आराम आराम से कोर अभी डाल रहे हैं। जब इसमें मुझे इसके अंदर की होल ठीक से नहीं दिखाई देगी तब हम क्या करेंगे कि एक आई पीस को लेके, जैसे मैंने इधर से अभी कोर डाला है तो इसके बीच से मैं इस आई पत्ती को इधर के तरफ दूंगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि देख सकते हैं मैं इस साइड से इस आई पीस को इधर डाला हूँ। अब मैं जो कोर इधर से डालूंगा तो वो इस बात की पूरी गारंटी होगी कि ये जो बीच वाली पट्टी है ये हमारी इस आई पीस के ऊपर आएगी, नहीं तो कई कंडीशन में क्या होती है कि वो नीचे भी चली जाती है तो फिर बाद में आई पीस लगाने के टाइम हो जाती है परेशानी। तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, और जब ये इस तरफ बिल्कुल आ जाएगी तो फिर हम इस आई पीस को दोबारा से निकालेंगे और फिर इस साइड से डालेंगे और फिर इस तरफ से फिर से हम आई पीस को फिर हम इधर से लगाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं ये इसके नीचे है, फिर हम इधर से डालेंगे और इस तरीके से जब तक ये हमारी आराम आराम से जा सकती है हम इसमें इसे डालते रहेंगे। दोस्तों अब ये कोर हमारी हो चुकी है टाइट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसे पलट के और बीच में एक साथ में जितनी कोर मुझे लगेगी इसमें जा सकती है मैं एक साथ इसके अंदर ठोक दूंगा। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर को उलट लेने के बाद आप सारे कोर को एक बार हल्के हथौड़ी से आप इसे मिला लेंगे कि कोई कोर थोड़ी सी ऊपर या थोड़ी सी नीचे ना रहे, सब बराबर में बैठ जाए। ठीक है, अब हम इसे इस साइड से भी पलट के थोड़ा थोड़ा सा ठोक देते हैं। फिर मैं इसे इस साइड से भी थोड़ा थोड़ा सा ठोक देता हूं।
अब इसके अंदर आप स्क्रू ड्राइवर को फंसा के दो कोर जो आपने एक साथ डाला है कहीं भी बीच में एक बार इसे फंसा के और फिर से आप इसे टेढ़ा करके ये सुनिश्चित करें कि कितनी कोर इसके अंदर अब आ सकती है। उससे ज्यादा अगर आप डालेंगे तो फिर आप इसमें कोर को पूरी तरीके से ठोक नहीं पाएंगे और फिर आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप स्क्रू ड्राइवर डाल के ये सुनिश्चित करें कि आप इसमें कितनी कोर को आसानी से बीच में ई पीस को ठोक सकते हैं। दोस्तों जैसा कि इस ट्रांसफार्मर के केस में है, मैं यहां पे चार या पांच अगर ई पीस को डालता हूं तो बड़े ही आसानी से इसमें मैं इसे ठोक सकता हूं। तो हम चार पांच पीस ई पीस को ले लेते हैं। हम यहां पे दोस्तों चार पीस ही ले रहे हैं क्योंकि मैंने जो इसे डाला है इसमें कोर को वो काफी टाइट डाला है, तो इस वजह आप कुछ इस तरीके से अगर लक्कड़ डाल के ठोकेंगे तो आपकी कोर जैसा कि देख सकते हैं इसमें कोर मैंने काफी टाइट डाली है। अगर आप कोर सही से टाइट इसमें नहीं डालेंगे तो आपके ट्रांसफार्मर में होगी हॉमिंग और साथ ही ये ट्रांसफार्मर प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसमें ई पीस को बिल्कुल मुकम्मल डाल लिया है, अब इसमें मैं आई पीस डालूंगा। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर के जहां पे मैंने यहां में इंड की थी या आपने स्टार्ट की थी, दोनों साइड में जो ई पीस है उसके ऊपर सबसे पहले आप दो दो आई पीस फंसा लें। ठीक है, मेरी एक साइड इधर में थी, मैंने यहां पे दो आई पीस लगा लिया। अब इसके बाद मेरी दूसरी नीचे के साइड में है, तो सबसे पहले ये जितनी भी गैप आप देख रहे हैं सब मैं आई पीस को फिल कर दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से जितनी भी जगह है सब में हम आई पीस को भर देते हैं। कुछ इस तरीके से आप पूरे में आई पीस को फिल कर लें, इधर भी आपने बीच में जितनी कोर आपने बाद में ई पीस डाली है उसी के अकॉर्डिंग उसके नीचे जहां पे जो थोड़ी सी ज्यादा गैप देख रहे हैं इसमें मैं जितनी ई पीस ऊपर की साइड में है उतनी मैं डाल दूंगा। बाकी सब जगह दो दो ही पीस का मैंने दो दो पीस का ही ऑप्शन लिया था, इसमें मुझे दो दो पीस ही आई पीस फिल करना है इसके अंदर। तो चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं और फिर आगे की वीडियो हम आपको दिखाते हैं। तो ई पीस डालते समय मैंने आपको बताया था कि आप 10, 20 जितने भी हो सके आप ई पीस चाहे आई पीस को लेके आप इस तरीके से देखें उसकी होल क्लियर है या नहीं। वो मैंने इसलिए बताया था कि इसमें कई बार क्या होती है कि ये होल किसी में बंद रहती है किसी में यहाँ रहती है। हालांकि लोकल क्वालिटी के कोर में ऐसा ज्यादा होता है, स्टैंडर्ड में काफी कम होता है। फिलहाल इस बॉक्स में मुझे इस टाइप का भी एक आई पीस मिला है जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अगर मैं इसे इसके अंदर डाल देता तो यहाँ पे जो हमारी होल थी वो मुझे मिलती बंद, तो बाद में मुझे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता। खैर ये तो है आई पीस, इसको बड़ी ही आसानी से आप निकाल के फिर से लगा सकते हैं, पर ई पीस डाल देने के बाद आपको काफी परेशानी हो जाती उसे निकालने के लिए। तो आप हमेशा कोर डालने के टाइम इस बात का ध्यान रखें
उसकी होल बिल्कुल क्लियर हो। आप जितनी भी हो 4-5 कोड को आप एक साथ लेके इस तरीके से देखते रहें तो आपको पता चलती रहेगी कि कोड कौन सी कोड हमारी इसमें खराब है, आप उसे निकाल दें। जैसा कि देख सकते हैं एक तरफ मैंने आईपीस पूरी तरीके से फिल कर दी है। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं कि जब आप कोर लगाते हैं अगर आपके पास ग्लोब्स अवेलेबल है तो आप ग्लोब्स लगा लें। फिलहाल मेरे पास तो ग्लोब्स था पर यहां पे मुझे मिल नहीं रही थी क्योंकि सेटअप में थोड़ी सी जो बदलाव हुई इस वजह से काफी सामान मेरी मुझे मिल नहीं रही है। तो इस वजह से जब कभी आप कोर लगाएं तो अगर आपके पास ग्लोब्स का ऑप्शन हो, अगर आपके पास ग्लोब्स अवेलेबल हो तो आप अपने हाथों में ग्लोब्स लगा लें क्योंकि इसमें रस्ट होता ही होता है और वो आपके हाथों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो चलिए हम इस तरफ भी आईपीस को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले जो किनारे में जो हमारी ईपीस है उसके नीचे आईपीस लगा लेंगे। अब बाकी जितनी भी बची हमारी इन सब में हम आईपीस को फिर फिल कर लेंगे। दोस्तों आप एक एक करके कोर लगाते चलें और उसे आप आराम आराम से बैठाते चलें। और बीच में यहाँ पे जहां पे मैंने बाद में ईपीस डाला था वहां पे जितनी ईपीस नीचे है बस उतना ही गिनकर हमें ऊपर भी आईपीस डालना है। मैंने सारे में आईपीस फिल कर दिया, बस बीच में जहां पे मैंने ज्यादा ईपीस मैंने बाद में लगाया था उस जगह में मैंने नहीं डाला है, तो मैंने कोर को गिन लिया और उसके हिसाब से मैं इसके ऊपर आईपीस को फंसाऊंगा। दोस्तों कोर हमारी अच्छी तरीके से लग चुकी है। अब मैं इसका वजन कर लेता हूं। इसमें क्लैंप और इसकी नट बोल्ट लगाने से पहले मैं इसकी वजन कर लेता हूं और फिर मैं आपको बता देता हूं कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी कोर लगी है। दोस्तों इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर हमने इस्तेमाल किया है वो किया है 14 किलो 500 ग्राम। तो जब आप कोई भी ट्रांसफार्मर इस तरीके का अगर आप बनाते हैं तो आपको 14-15 किलो के आसपास ये कोर लेना पड़ेगा। तो ये कोर हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से डल चुकी है। अब इसके ऊपर हम क्लैंप को लगा देते हैं। दोस्तों ये क्लैंप को भी फिलहाल हम लगा देते हैं पर ऐसा पॉसिबल है कि जब हम बॉक्स में से लगाएंगे तो इस क्लैंप को हटाकर डायरेक्टली इसे हम नट से भी इसे नीचे की तरफ टाइट कर सकें। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आप जरूरी नहीं कि इस टाइप का ही बॉक्स यूज करें, तो आप इस तरीके से क्लैंप लगा के और उसे अच्छी तरीके से आप टाइट कर लें। आप इसे अच्छी तरीके से टाइट कर ले, दोनों तरफ क्लैंप नट बोल्ट लगा के आप टाइट कर ले। दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपको इसमें रोटरी स्विच और डीपीडीटी की कनेक्शन भी करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आई पसंद तो प्लीज लाइक करें। आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें ACNDC बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।